देखते ही मुंह में पानी आए और खाने को मन ललचाए, ऐसे बहुत ही मज़ेदार और चटपटे ब्रेड पकोड़े आज हम घर पे बनाएंगे। ब्रेड पकोड़े बनाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है और किन मसालों का इस्तेमाल करना है कि जिसकी वजह से हमारे ब्रेड पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और चटपटे बने, ये हम आज की रेसिपी में देखेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने 500 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। आलू के छिलके निकाल कर उसे मैशर से मैश कर लिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाला है। आधे से पौने चम्मच जितना हम चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। भुने हुए जीरे की फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आती है। 3 से 4 चम्मच के करीब हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। आधा कप के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर फुदीना डालेंगे। फुदीने के हमें सिर्फ 7 या 8 ही पत्ते लेने हैं और उसे बारीक कट कर लेना है। फुदीना अगर ज्यादा हो जाए तो उसकी फ्लेवर अच्छी नहीं लगती है। बहुत ही कम मात्रा में हमें फुदीना डालना है, बस जरा सी हल्की सी फुदीने की फ्लेवर इसमें आनी चाहिए। आप ये स्टफिंग थोड़ा सा स्पाइसी बनाएं क्योंकि इसके ऊपर हम ब्रेड रखेंगे और उसके ऊपर भी बेसन का घोल आएगा, तो ये स्टफिंग अगर स्पाइसी होगा तो ब्रेड पकौड़ा बनने के बाद ये मीडियम हो जाएगा। अगर आप पहले से ही इसे मीडियम तीखा रखेंगे तो ब्रेड पकौड़ा आपको थोड़ा सा फीका लगेगा। अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमें 2 कप बेसन चाहिए। मैंने यहाँ पर हम घर में जो चने का आटा यानी कि बेसन इस्तेमाल करते हैं वो ही लिया है। इतनी क्वांटिटी में से आप 8 से 10 नंग पकौड़ा तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच के करीब चावल का आटा मिलाएंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, वो भी आप 2 से 3 चम्मच डालें। इसकी वजह से ऊपर वाला जो लेयर है बेसन का वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने 1 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 टीस्पून जितना नमक डाला है और 1/2 टीस्पून जितना अजवाइन का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर हींग डालेंगे। हींग और अजवाइन डालने से ब्रेड पकौड़ा डाइजेस्ट होने में आसानी रहती है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर हमें सिर्फ कलर के डालना है, चुटकी भर जितना। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। यह ऑप्शनल है। अगर आपको ऊपर वाले लेयर में मिर्ची नहीं डालनी है तो आप बिना मिर्ची डाले भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मिर्ची डालते हैं तो आपको सिर्फ हरी मिर्च डालनी है। लाल मिर्च डालने से कलर अच्छा नहीं आएगा। सूखे आटे में ही हम मसाले को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक की क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा है तो आप पहले बेसन का घोल तैयार करें फिर बाद में नमक डालें ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल तैयार करेंगे। अभी मैंने 1 कप पानी लिया है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालने से घोल में लम्स नहीं आते हैं और हमारा घोल जो है वो ज़्यादा पतला भी नहीं होता है। एक कप पानी मैंने उसके अंदर अभी डाल दिया है। ये 2 कप पानी लिया है, उसमें से 1/2 कप पानी डालेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालने से बैटर पतला नहीं होता है। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो बैटर के अंदर लम्स भी बन जाएंगे और हो सकता है कि हमारा बैटर पतला हो जाए और उसे फिर गाढ़ा करने के लिए हमें थोड़ा सा और आटा मिलाना पड़े। जो लोग रेगुलरली खाना बनाते हैं उन्हें इस तरह के मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग अभी नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं अगर उनको इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट मिलता है तो वो लोग आसानी से इसे बना सके, इसलिए यहाँ पर मैंने इस तरह से मेजर करके बताया है। इसको अभी हमें थोड़ा सा और पतला करना है। ब्रेड पकौड़ा का जो घोल होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है।
बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखनी है। बीटर से इसे मिक्स करें ताकि इसके अंदर लम्प्स ना रहे। हमने 2 कप बेसन लिया था और उसमें मैंने 1.25 कप पानी डालकर ये घोल तैयार किया है। अब ब्रेड के ऊपर हम स्टफिंग लगाकर तैयार करेंगे। हम जो रेगुलर ब्रेड इस्तेमाल करते हैं मैदे वाली, मैंने वो ली है। अगर आप व्हीट ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। एक साइड पर हम हरे धनिया और पुदीने की चटनी लगाएंगे। अगर घर में किसी को ज्यादा स्पाइसी ब्रेड पकौड़ा खाना है तो आप दोनों साइड ये चटनी लगाकर ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे तो वो थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। दूसरी साइड पर हम टोमेटो केचप लगा देंगे। एक साइड पे हरे धनिए की चटनी और दूसरी साइड पे टोमेटो केचप और बीच में आलू का स्टफिंग। इससे ब्रेड पकौड़ा बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप टोमेटो केचप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इमली की खट्टी मीठी चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन टोमेटो केचप ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर हमने तैयार किया हुआ आलू का स्टफिंग रखेंगे। सबसे ऊपर में बेसन का येलो कलर, उसके बाद हरे धनिए की चटनी का ग्रीन कलर, बीच में आलू का वाइट कलर और उसके बाद टोमेटो केचप का रेड कलर। ये कॉम्बिनेशन दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप ब्रेड पकोड़ा बीच में से कट करके सर्व करते हैं तो दिखने में वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए हमने आलू के स्टफिंग में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप लाल मिर्च इसके अंदर डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और इतना अच्छा नहीं लगेगा। आलू का स्टफिंग अच्छी तरह से लगाने के बाद उसको दूसरे पार्ट से कवर कर लेंगे और बीच में से इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो 4 हिस्से भी कर सकते हैं, मैंने अभी इसमें 2 ही हिस्से किए हैं। ब्रेड में हमने स्टफिंग लगाकर तैयार कर दिया है और साइड में मैंने तेल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हम बैटर में पिंच जितना खाने का सोडा डालेंगे, यानी कि मीठा सोडा डालेंगे। सोडा डालकर एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सोडा बहुत ही कम मात्रा में डालना है, अगर ज़्यादा सोडा हो जाएगा तो बेसन के अंदर बहुत सारा तेल भर जाएगा। अब ब्रेड को हम इस बैटर के अंदर डिप कर लेंगे। पहले हाथों से थोड़ा इस तरह से दबाकर प्रेस कर लें, अच्छी तरह से बैटर के अंदर इसे कवर कर लें। तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पकौड़ा तेल में डालने के बाद उसे पलटने में जल्दबाजी ना करें। उसके ऊपर गरम तेल छिड़के ताकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद ही हम इसे पलटेंगे। तब तक इस तरह से इसके ऊपर तेल डालते रहेंगे ताकि ऊपर वाला जो लेयर है वो हल्का सा फ्राई हो जाए। एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो एक स्पैचुला लेंगे और दोनों की सहायता से हम इसे पलटेंगे। अगर आप इसे बिना स्पैचुला पलटने जाएंगे तो हो सकता है कि गरम तेल आपके ऊपर उड़ जाए, तो इस तरह से स्पैचुला की सहायता से ही आप इसे पलटें। चने के आटे को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। ब्रेड पकौड़ा आप इस तरह से एक एक करके ही फ्राई करें ताकि आसानी से आप इसे हैंडल कर पाए। ब्रेड पकौड़ा बनाने की मैं दूसरी मेथड आपको बता रही हूँ। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है या तो फिर जिसे तला हुआ नहीं खाना है ज़्यादा, वो लोग इस तरह से शैलो फ्राई करके भी ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं। नॉनस्टिक में 1 से 2 चम्मच तेल रखें और ब्रेड पकौड़ा को इस तरह से रख दें। गैस की आँच हमें बहुत ही स्लो रखनी है। उसको हम कवर कर देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से पकने लगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। थोड़ा सा नॉनस्टिक को हम इस तरह से घुमा देंगे ताकि तेल उसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए। दूसरी ओर पलटने के बाद इसके ऊपर हमें कवर लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर भी अच्छी तरह से हो जाए तो इसे हम इस तरह से खड़ा रखेंगे और उसकी जो तीनों साइड है उसे भी सीख लेंगे। तीनों साइड से हम इस तरह से इसे पलट पलट कर सीख लेंगे ताकि साइड में से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। मैंने अभी एक ही ब्रेड पकौड़ा बनाया है, लेकिन आप एक साथ 2 से 3 ब्रेड पकौड़ा बना सकते हैं।
ब्रेड पकौड़ा को मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सूखी वाली लहसुन की चटनी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालें, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। ब्रेड पकौड़ा को मैंने टोमेटो केचप और हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो इस तरह से आप ब्रेड पकौड़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।